नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां मां काली स्वयं प्रकट हुई थी। और यह मंदिर कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी के रूप में भी मां काली को यहां पूजा जाता है। यह मंदिर हाट काली का नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ खास और रहस्यमय बातें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा करने की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले भी पहुंचे और आप उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के बारे में और बारीकी से जान। लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अच्छी और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं और आप लोग उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ और बारीकी से जुड़ सकें। माँ हाट कालिका का यह प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों यह मंदिर चारों तरफ से देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ है। बहुत सारे देवदार के पेड़ आपको यहां देखने को मिल जाएंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। दोस्तों माँ हाट कालिका के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां माँ रात को अपना डोला उठाती है। डोला किसे कहा जाता है वो मैंने आपको उत्तराखंड के देवी देवता पार्ट 1 में बताया हुआ है। वो वीडियो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पर दे दूंगा। आप वहां से जान सकते हैं कि डोला किसे कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो माँ हर रात को अपना डोला उठाती है और उसके साथ माँ के साथ जो उसके गण हैं आण और बाण वो भी साथ में चलते हैं। और कहा जाता है कि जो इस डोले को छू लेता है उसे दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है माँ कालिका से। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। और साथ में दोस्तों यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ माँ हाट कालिका जो है वह विश्राम करती है। यही कारण है कि शक्तिपीठ के जो पास में आपको माँ कालिका का बिस्तर जो है वह लगा हुआ मिलता है। बताया जाता है कि उस बिस्तर पर हर सुबह जब दूसरी सुबह हम देखते हैं तो उस बिस्तर पर सिलवटें आई रहती हैं। यह यहाँ के पुजारी जी और स्थानीय लोग भी इस बात को बताते हैं। सुबह उठ के जब भी उस बिस्तर को देखा जाता है तो उसमें सिलवटें मिलती है जैसे कि किसी ने वहाँ पर विश्राम किया हुआ हो। इस तरह की जो सिलवटें हैं इसको देख के ऐसा माना जाता है कि माँ कालिका यहाँ विश्राम करती हैं। जो भी भक्त माँ हाट कालिका के इस पवित्र मंदिर में पहुँचता है, कोई भी श्रद्धालु पहुँचता है और माँ के दर्शन करता है तो ऐसी मान्यता है कि माँ उसके रोग शोक और दरिद्रता से उसे हमेशा दूर रखती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात इस मंदिर के बारे में और कही जाती है, यह उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के आराध्य देवी के रूप में भी हम माँ हाट कालिका को पूजते हैं। उनका जयकारा जो है वह कुमाऊं रेजिमेंट की सेना जब भी युद्ध में जाती है उसका उद्घोष नारा जय माँ हाट कालिका है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों माँ हाट कालिका और कुमाऊं रेजिमेंट का एक जो महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब भारतीय सेना का जहाज डूबने लगा था तब जवानों को कहा गया कि वह अपने इष्ट देव अपने जो देवता हैं उनको याद करें। और जब कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने जय माँ हाट कालिका जयकारा लगाया वैसे ही जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। तभी से कुमाऊं रेजिमेंट के लिए माँ कालिका जो है वह आराध्य देवी के रूप में वह उन्हें पूजते हैं। हर वर्ष माघ के महीने में जो कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी हैं साथ में कुमाऊं रेजिमेंट की जो सेना के जवान हैं वह यहाँ माँ हाट कालिका के दर्शन करने पहुँचते हैं। दोस्तों माँ हाट कालिका के इस मंदिर में रास्ते का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण जो है वह यहाँ के स्थानीय लोग और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों द्वारा इनका निर्माण कराया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु यहां आते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों हाट कालिका के इस मंदिर में सबसे पहले मूर्ति स्थापित 1971 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार शेर सिंह जी के नेतृत्व में की गई थी। उसी के बाद इसमें बड़ी मूर्ति की जो स्थापना है वह 1994 में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा की गई है। ये थी अभी तक की जानकारी दोस्तों माँ हाट कालिका के इस मंदिर के बारे में। आप जरूर दर्शन करने पहुँचेंगे, ऐसी देवभूमि उत्तराखंड उम्मीद करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप उत्तराखंड के किसी और मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जुड़े रहे देवभूमि के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, भारत माता की जय।